अखंडता के लिए रन फॉर यूनिटी में दौड़ा फरीदाबाद। सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में फरीदाबाद के सैकड़ों युवाओं ने देश की अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल नए भारत में हमेशा याद रखे जाएंगे, जिन्होंने देश की अखंडता कायम रखने के लिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि फरीदाबाद के युवा फरीदाबाद, हरियाणा और देश को जोड़ने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। 144वीं जयंती मनाई जा रही है सरदार वल्लभ जी पटेल जी की, क्या कहना इस बारे में? देखिए, माननीय सरदार पटेल का जो योगदान नए भारत में है उसको कोई भुला नहीं सकता। माननीय मोदी जी ने जो एक रन फॉर यूनिटी इसमें हम लोग पूरे देश में आज मना रहे हैं, पूरे देश में हम एक अखंडता के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें हमारे फरीदाबाद के इन बच्चों ने, नवयुवकों ने आज पूरे एक फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। जो ये हम लोग शपथ लेते हैं आज के दिन में कि एक अखंड भारत को हमेशा ये ध्यान में रखते हुए यहाँ फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए हम लोग काम करेंगे। आज ये शाइनिंग इंडिया ट्रस्ट ने जो ये कार्यक्रम किया है, मैंने इनके आयोजकों को, भाई सुरेंद्र जी को और सारी टीम को बधाई देता हूँ और इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अच्छे काम समाज के लिए करेंगे मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। कुछ युवा थे फरीदाबाद से, गए थे कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर में जाके झंडा भी फहराया, तिरंगा फहराया है, तो उनके क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को? मैसेज है कि जो नया भारत है, जो मोदी जी कहते हैं कि भाई जो हमारा यंग इंडिया है, वो लोग उनमें जज्बा है अखंड भारत का, वो भारत के प्रति समर्पित हैं, वो चाहते हैं कि ये मैसेज पूरे भारत में जाए कि नॉर्थ के लोग साउथ में जाएं, साउथ के लोग कहीं भी जाएं, तो हम एक अखंड भारत के रूप में काम करेंगे। और युवा जब साथ में जुड़ जाएंगे तो जो मोदी जी का ड्रीम है कि एक ऐसा भारत जिसमें लोग भारत विदेश से लोग आके रहें, यहाँ जो हमारे युवा बाहर प्लान करते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से बाहर जाते हैं, इन सब के सहयोग से हम नया भारत बनाएंगे, तो मैंने शुभकामनाएं देता हूँ आज के। गुप्ता जी, एक बड़ी समस्या चल रही है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो किस तरीके से? अभी लोग कहते हैं प्रदूषण है, पराली की वजह से लोग बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली अपनी कैबिनेट मीटिंग में जो कम उसके ऊपर पराली के लिए ख़त्म करने के लिए जो है उसमें 50% से ज़्यादा सब्सिडी दी है उस मेडिसिन के ऊपर में। पर हम लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं अपने किसान भाइयों के, पराली जलाने से उनका अपना खुद का भी नुकसान होता है और पिछले सालों से इस बार बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग प्रोग्रेस कर पाए और अनेकों अनेक जो प्रदूषण के कारण है उन सब पर हम ध्यान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम संभाला है दोबारा मंडोर 2 में, तो हमें उम्मीद है कि हम पर्यावरण को, पिछले साल से बहुत कम है इस बार प्रदूषण, और इसको और कंट्रोल में लेके आएंगे। प्रदूषण ना फैले तो इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज अपने घरों को साफ रखें, सब सरकार के साथ साथ सहयोग करें, खुद की हमारी जिम्मेवारी होती है अपने घर के बाहर जो गंदगी है उसको, जैसे अभी स्लोगन चल रहा है हमारा पॉलीथिन फ्री फरीदाबाद, उसमें सब सहयोग करेंगे। और जब इतने युवा हैं तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम फरीदाबाद को बहुत जल्दी ही एक सुंदर शहर बना के लेके हमारा ट्रस्ट जी। रन फॉर यूनिटी में दौड़ा फरीदाबाद, सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी।